ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मूली की कचौड़ी और मूली की चटनी के साथ मैंने सर्व किया है, बन के तैयार है। और इसका पूरा प्रोसेस आगे वीडियो में देखिए कि और पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कैसे चटनी बननी है, कैसे कचौड़ी बननी है। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा रश्मि खजाना में एक चटनी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने मूली के पत्ते एक बाउल लिए हैं और ये हरी मिर्च है 3 और ये 4-5 कली लहसुन के और अदरक है 1 इंच का टुकड़ा और हरा धनिया एक बाउल और ये टमाटर एक बड़ा। तो इन्हीं चीज़ों को मिला के मूली के पत्तों के साथ और धनिया के साथ चटपटी सी चटनी बनेगी और उसके साथ मूली मक्के की कचौड़ी। तो मूली मक्के की कचौड़ी कैसे बनेगी वो मैं बाद में प्रोसेस दिखाऊंगी, अभी चटनी का दिखा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अदरक हरी मिर्च को अंदर डाल दूँगी उसमें ग्राइंडर में और उसके साथ फिर टमाटर डाल देंगे। टमाटर के जो टुकड़े मैंने काटे हैं वो डाल देंगे। फिर इसमें हरा धनिया, ये हरा धनिया पूरा डाल देंगे और ये मूली के पत्ते, ये मूली के पत्ते हैं इसको भी डाल देंगे। और इसके बाद इसमें नमक स्वाद के अनुसार, ये जो नमक है इसको भी डाल देंगे और फिर थोड़ा सा काला नमक, काला नमक ज़रूर डालिएगा, ये मेरी टिप्स है, बहुत बढ़िया चटनी बनती है। और ये जीरा 1 टेबल स्पून के करीब जीरा, इसमें ये खड़ा जीरा है वो पीस जाएगा। बस इन सब चीज़ों को लेके अब ग्राइंडर में पीस लेंगे, एक चटपटी सी बढ़िया सी चटनी बनाएंगे। ये देखिए मेरी चटनी बनके कितनी बढ़िया मूली और टमाटर के साथ और धनिया के साथ बनके तैयार हो गई है। अब इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन में मैं मूली और मक्के की कचौड़ी बनाऊंगी और उसके साथ इसको सर्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया लाजवाब। उसका प्रोसेस आगे आप देखिए, मैं मूली को कद्दूकस करके और उसके साथ बनाऊँगी, कैसे बनाना है वो देखिएगा। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा रश्मि खजाना में एक मूली मक्के की कचौड़ी बनाऊंगी। तो उसमें एक बाउल मैंने गेहूं काटा, एक बाउल मक्के काटा, इक्वल लिया है और ये अजवाइन है और ये हरी धनिया है और ये मेरी मूली है एक बाउल, ये भी उसी बाउल से आटा लिया है, उसी बाउल से मक्के का आटा और ये मूली को कद्दूकस करके निचोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तो ये आटा गीला हो जाओ। और आटा तभी साने जब आपको बनाना हो, तुरंत बना सानी या तुरंत बनाइए, नहीं तो नमक डालने से फिर पानी छोड़ देगा। तो पानी भी नमक भी उसी समय डाले। और ये देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च इसको भी इसी में डालें। तो सारी चीज़ों को मिला के एक डो बनाएंगे और वो टाइट डो बनाइए और खूब अच्छे से सेक लीजिए और फिर हाथ से दबा दबा के चाहे चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए और छोटी छोटी कचौड़ी बनाइए और फ्राई कीजिए और उसको गरम गरम मूली की चटनी जो मैंने बनाई है उसके साथ सर्व कीजिए। बहुत ही लाजवाब मक्के मूली की कचौड़ी। तो आज हम वही बना रहे हैं, उसके लिए मैंने बताया मूली है, हरा धनिया है, मक्के का आटा, गेहूं का आटा, अजवाइन और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। और चाहें तो हींग भी जरूर डालें, हींग डालेंगे क्योंकि हींग इन सब चीज़ों में डालना चाहिए, क्योंकि मूली है और मक्के का आटा है तो अच्छा रहता है, अच्छे से हजम हो जाता। तो ठीक है, अब मैं उसका डो बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने अब सब चीज़ रख दी है, अब जा रहे हैं इसका डो बनाने। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट, आटा, मैं उसका मकई का आटा, धनिया, ये मूली, इसके पानी निचोड़ दिया था, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। और ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के, और इसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, इसी के पानी से अच्छी तरह से टाइट डो बना लेंगे। ये देखिए मेरा डो तैयार है, अब इसको फटाफट तुरंत उसी समय नमक डालें, उसी समय सानें और तुरंत बनाएं, बल्कि 2 मिनट बस छोड़ें, ज़्यादा देर नहीं, नहीं तो वो पिघल जाएगा तो कचौड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने कचौड़ी बेली है और सूखा आटा लगा के बेले और इस तरह से कचौड़ियों को फ्राई कर लें, डीप फ्राई करके, और बहुत ही लाजवाब लगती है। इसको ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में, आपका जब मन करे आप खा सकते हैं। और मूली की चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसिए, आप एज अ ब्रेकफास्ट किसी को, एज अ आपके घर को इनवाइट किया है, आप खिलाइए ब्रेकफास्ट में, बहुत ही बढ़िया। और मूली की चटनी ज़रूर बनाएं, उससे बहुत ही टेस्टी स्वाद लगता है। मक्के मूली की कचौड़ी बन के तैयार है, आप भी ऐसे बनाएं, खिलाएं और खाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत ही लाजवाब मक्के मूली की कचौड़ी।